और अभी मैं जा रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट काम से, और आज की शुरुआत हो रही है रोड पे गाड़ी चलाते हुए। मेरे फुल कंट्रोल में है गाड़ी, और अभी इम्पोर्टेंट काम ये है कि मेरा फ्रीलांस वगैरह का वर्क चल रहा है, तो उसके लिए जा रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 50 से और 50 से नीचे है, तो आपको कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला या पुलिस वाला स्पीड ओवर स्पीडिंग के चक्कर में आपको नहीं पकड़ सकता, तो इससे कम में ही चलाया करो गाड़ी आपको। डिज़ाइनिंग वगैरह का जो एरिया है काफ़ी चैलेंजिंग है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी मैं जा रहा हूँ घर, ये रहा हमारा रेलवे स्टेशन। बैठ चुका हूँ मेरे ऊपर, तो हेलमेट वापस से लगा लिया है सेफ्टी के लिए। अभी तो देखता हूँ, बहुत रेयरली निकाला था वो, लॉक के लिए निकाला था। अगर आप कुछ देख रहे हो ये वीडियो, तो थोड़ा अच्छे से चलाए करो, टाइम में देखो और भी गाड़ी इधर रुकनी चाहिए, और भैया ने कहा लगाई है। इंजीनियरिंग स्किल थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लेते हैं, कैसे इंजीनियरिंग स्किल अप्लाई करके हम अपने चैनल के लिए लोगो बना रहे हैं नया। और हमारे साथ हैं अभी हमारे बड़े भैया। वो बड़े भैया कुछ बोलना चाहोगे? बोलना ये चाहूँगा कि जैसे मेहनत कर रहे हो तरक्की वैसे जल्दी हो। धन्यवाद भैया। मेहनत ये लोगों को कुछ सिखाने की, कुछ नया करने की। मार्क किया था क्या मैंने किसी में? मेसी का मार्क नहीं हुआ था। तो आज की कहानी कुछ ऐसी थी, मैं गया था कुछ काम से, और वो काम ये था कि जो फ्रीलांसिंग के लिए मैंने कहीं कहीं जगह पे अप्लाई किया था, तो उसके लिए आज इंटरव्यू शेड्यूल किया था एक जगह से, तो मैं वहाँ गया था। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था, और कई सारी नई चीज़ें सीखने को मिली, जो एग्रीकल्चर में हमारे पेस्टिसाइड्स और ये सब यूज़ होते हैं, जो फर्टिलाइज़र रहते हैं, ये सब जो भी यूज़ होते हैं जो क्रॉप्स को और अच्छा बनाते हैं, उस कंपनी में ऑर्गेनिक वे में वो सब सारी चीज़ें बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो बहुत बढ़िया था। और समझ में आया कि पैकेजिंग वगैरह में कैसे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और जो भी ग्राफिक डिज़ाइन है वो कैसे यूज़ होता है, और कितने अच्छे से हम और इसको क्रिएटिव कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट क्या रहता है, लोग कैसे अट्रैक्ट होते हैं प्रोडक्ट के लिए, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं जो हमें माइंड में रख के डिज़ाइन करना पड़ता है। तो काफ़ी बढ़िया था आज का दिन, बहुत ही बढ़िया रहा। और अभी मैं डिज़ाइन कर रहा था अपना लोगो दूसरे चैनल का, और उसका नेम चेंज करने वाला हूँ मैं, क्योंकि पुराना वाला नेम थोड़ा सा उतना फैमिलियर नहीं हो पा रहा था लोगों के साथ, तो थोड़ा सा व्यूज़ का इश्यू आ रहा था, तो अभी देखते हैं। और आज के व्लॉग को मैं करता हूँ एंड, आई होप आप लोग को कुछ लर्निंग मिली होगी आज के व्लॉग से। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए बाय, और लर्न करते रहिए।